हेलो, आई एम अंजलि भंडारी फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऑफ 7, चैप्टर नंबर 1, इंटीजर पार्ट 7। इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 1.3। प्रीवियस क्लास में हमने किया था प्रॉपर्टीज सारी मल्टीप्लीकेशन की, उसके अकॉर्डिंग हम आज करेंगे उसके सम। फर्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर हम 2 करते हैं। फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ही होगा। फर्स्ट हम करते हैं -18 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 9। सॉल्यूशन फर्स्ट हम करेंगे ये वाला -18 मल्टीप्लाई -10, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं पहले, -18 मल्टीप्लाई -10 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 9, ओके, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन आएगी, ओके, और 18 मल्टीप्लाई 10 180 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू, अब 180 मल्टीप्लाई 9 क्या आता है, 1620। सो हमारा आंसर क्या आया, 1620। नेक्स्ट फर्स्ट हम करेंगे -20 मल्टीप्लाई 2 स्टार्ट, -20 मल्टीप्लाई -2, ओके, और यहाँ -5 एज इट इज मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 20 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 40 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 7। अब हम करेंगे ये वाला 40 मल्टीप्लाई -5 स्टार्ट, -5 एक ब्रैकेट में लिख लिया, इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 200, बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस डालेंगे, मल्टीप्लाई 7। अब हम ये दोनों का करेंगे स्टार्ट, 200 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है, 1400, बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। तो हमारा आंसर सेकेंड का आ चुका है। अब हम करते हैं थर्ड स्टार्ट, थर्ड फर्स्ट हम करेंगे ये वाला -1 मल्टीप्लाई -5 स्टार्ट ब्रैकेट -1 मल्टीप्लाई -5 ब्रैकेट ओवर ये एज इट इज -4 मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई -4 -4 मल्टीप्लाई -6, ओके स्टार्ट। अब हम ये वाला करेंगे 5 मल्टीप्लाई -4 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -4
एक ब्रैकेट में डाल दिया, मल्टीप्लाई माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 20, बट ये साइन है तो यहाँ आएगा माइनस साइन। अब हम करेंगे माइनस 20 मल्टीप्लाई माइनस 6, तो राइट डाउन माइनस माइनस प्लस 20 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा 120, तो हमारा आंसर क्या आया 120। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ ए से लेके जे तक के सम दिए हैं, हमने एग्जांपल 2 में जैसे किया वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 1 में करना है। स्टार्ट फर्स्ट हम ले रहे हैं ए, यहां मैं लिख रही हूं फर्स्ट हम करेंगे ये वाला 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आता है 3, बट यहां माइनस की साइन है तो यहां आएगा माइनस 3 आंसर। अब हम करेंगे बी वाला, माइनस 1 मल्टीप्लाई 225, तो राइट डाउन माइनस 1 मल्टीप्लाई 225 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 225 क्या होता है 225, बट यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस माइनस 225। अब हम करेंगे सी, ओके सो यहाँ क्या दिया है हमें माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 30, राइट डाउन माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 30, ओके सो माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई 30 क्या आता है 630। अब हम करेंगे डी, उसमें क्या दिया है माइनस 316 मल्टीप्लाई माइनस 1, सो हियर राइट डाउन माइनस 316 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो क्या आएगा आंसर माइनस माइनस प्लस 360 मल्टीप्लाई 1 316, ये हमारा आंसर आया। अब हम करेंगे नेक्स्ट ई एंड एफ, सो राइट डाउन फर्स्ट ई माइनस 15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस 18, तो फर्स्ट हम ये वाला पोर्शन करेंगे माइनस 15 मल्टीप्लाई 0, तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं पहले माइनस 15 मल्टीप्लाई 0 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई माइनस 18, ओके इज इक्वल टू यहाँ माइनस 15 मल्टीप्लाई 0, तो क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई माइनस 18, 0 मल्टीप्लाई माइनस 18, तो आंसर इज ऑल्सो सी एफ। तो फर्स्ट हम करेंगे माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस 11, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं जी नीचे काउंट कर रही हूँ, यहाँ माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस 11 एक ब्रैकेट में डाल देते हैं पहले मल्टीप्लाई 10 एज इट इज, ओके सो हियर इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस
12 मल्टीप्लाई 11 क्या आएगा 132। एक ब्रैकेट में लिख देते मल्टीप्लाई 10 एज इट इज। अब हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 132 मल्टीप्लाई 10 तो क्या आता है 1320। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जी फर्स्ट हम करेंगे 9 मल्टीप्लाई माइनस 3। तो राइट डाउन 9 मल्टीप्लाई माइनस 3 एक ब्रैकेट में डाल दिया मल्टीप्लाई माइनस 6 ओके इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 27 बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ आएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो 27 मल्टीप्लाई 6 क्या आएगा 162। अब हम करेंगे ऐड। फर्स्ट हम करेंगे माइनस 18 मल्टीप्लाई 5 यहाँ स्पेस नहीं है मैं नीचे कर रही हूँ राइट डाउन माइनस 18 मल्टीप्लाई माइनस 5 ओके एक ब्रैकेट में डाल दिया और माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 18 मल्टीप्लाई 5 90 तो एक ब्रैकेट में डाल दिया मल्टीप्लाई माइनस 4। अब 90 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 360 बट यहाँ प्लस माइनस साइन इज माइनस 360। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस 1 माइनस 2 हम पहले साथ में लेते हैं बाद में ये वाला करते हैं राइट डाउन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो ये पहले एक ब्रैकेट में डाल दो मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज नेक्स्ट इज इक्वल टू अब हम ये वाला करेंगे 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 4 एज इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 6 बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ आएगी माइनस मल्टीप्लाई 4। अब नेक्स्ट क्या होगा माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 क्या आता है पहले तो ये बताओ 6 मल्टीप्लाई 4 क्या आता है 24 बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ आएगा माइनस ओके जे यहाँ हमें दिया गया है माइनस 3 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1 तो यहाँ 4 नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स है तो आपको मैंने बताया था जब इवन में होगा नेगेटिव इंटीजर तो ऑलवेज आंसर प्लस आएगा देखो यहाँ माइनस माइनस करूंगी तो प्लस माइनस माइनस प्लस 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 सो हियर स्टार्ट मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाती हूँ राइट डाउन प्लस हो जाएगा और वो सारे जो नंबर्स है 3 मल्टीप्लाई 6
multiply 2 multiply 1 is equal to, so 3 multiply 6 18, 18 multiply 2 36. So हमारा आंसर क्या आया? 36. क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग. उसमें ए एंड बी दिया है. फर्स्ट हम करेंगे ए सॉल्व करेंगे. वेरीफाई करना है मतलब हम फर्स्ट क्या लेंगे LHS एंड दूसरा क्या लेंगे RHS. दोनों को चेक करेंगे दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं. स्टार्ट फर्स्ट, मैंने यहाँ लिख लिया है ए. ए हमारा क्या है 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस 3. तो फर्स्ट हम LHS लेते हैं. LHS इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 सॉरी प्लस माइनस 3 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस माइनस 3 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 4 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 4 72. तो LHS का आंसर क्या आया हमारा 72. अब हम लेंगे RHS. सो फर्स्ट हम लेते हैं RHS. राइट डाउन RHS इज इक्वल टू ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट ओवर प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस 3 ब्रैकेट ओवर. ये हमारा RHS है. फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 18 मल्टीप्लाई 7 क्या आता है 126 प्लस हियर 18 मल्टीप्लाई 3 54 बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ आएगी माइनस साइन इज इक्वल टू 126 प्लस माइनस माइनस 54 इज इक्वल टू 126 माइनस 54 आंसर इज 72. RHS का आंसर 72 आया सेम एज हमने यहाँ कैलकुलेट किया LHS. दोनों के आंसर सेम आए. LHS इज इक्वल टू RHS बोल सकते हैं. सो राइट डाउन LHS इज इक्वल टू RHS. यहाँ हमने देखा दोनों इक्वल आ चुके है. दोनों के आंसर यहाँ सेम आए. अब हम करेंगे बी वाला पोर्शन. सो स्टार्ट बी. फर्स्ट जो हमारा है ये LHS और ये है RHS. सेम हमने ए में किया वैसे ही हम चेक करेंगे. LHS लेके चेक करेंगे उसका जो आंसर है वो और RHS लेके उसका जो आंसर है दोनों सेम है तो हम ये इज इक्वल टू ये इक्वल बोल सकते हैं. फर्स्ट स्टार्ट LHS. सो राइट डाउन माइनस 21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस 4 प्लस माइनस 6 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू माइनस 21 एज इट इज मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6 10 बट यहाँ 6
बिगर नंबर है उसके आगे कौन से साइन है, माइनस की, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 10. सो राइट डाउन माइनस 21 माइनस 10. तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 21 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 210. तो हमारा एलएचएस का क्या आंसर आया 210. अब हम करेंगे ये वाला पोर्शन आरएचएस का. सो हियर राइट डाउन आरएचएस. सो मैं लिखती हूँ यहाँ 21 सो राइट डाउन मल्टीप्लाई माइनस 4 ब्रैकेट ओवर प्लस माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 6 ब्रैकेट ओवर. ये हमारा आरएचएस है. अब हम उसको सॉल्व करेंगे. सो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस. सो 21 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 84. राइट डाउन 84 प्लस हियर माइनस माइनस प्लस. ओके तो 21 मल्टीप्लाई 6 126. सो 84 प्लस 126 इज इक्वल टू 210. तो हमारा आरएचएस का आंसर क्या आया 210. यहाँ दोनों के आंसर्स एलएचएस का भी 210 आया और एलएचएस का भी 210 आया और आरएचएस का भी 210 है. तो हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. दोनों सेम है. तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 3, उसमें फर्स्ट फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज माइनस 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हमें यहाँ क्या पूछा है कि राइट डाउन माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो क्या आंसर आएगा. आपको पता ही है 1 मल्टीप्लाई कोई भी इंटीजर नंबर करूंगी तो क्या आता है ए, वही आंसर आएगा ए. बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ क्या आएगा माइनस. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ माइनस 1 इज ए 22 बी 37 सी 0. तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें प्रोडक्ट करना है. 22 को माइनस 1 के साथ प्रोडक्ट करना है, 37 को माइनस 1 के साथ प्रोडक्ट करना है, 0 को माइनस 1 के साथ प्रोडक्ट करना है. तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट. फर्स्ट क्या है माइनस 22 को करना है. सो हियर सेकेंड उसका ए उसमें 22 है. अब 22 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 1 के साथ तो आंसर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ आएगा पॉजिटिव में आंसर आएगा तो 22 आंसर आएगा. अब उसके अंदर b है, b क्या था 37. 37 को हम प्रोडक्ट करेंगे माइनस 1 के साथ तो 37 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई 1 37. बट यहाँ जो है माइनस की साइन है यहाँ क्या आएगा माइनस 30. अब सी है 0. 0 को माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी
तो आंसर क्या आएगा? जीरो को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आता है? जीरो। क्वेश्चन नंबर फोर, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1। हमें बोला है स्टार्टिंग हमें ये लेना है और एक पैटर्न बनानी है, हमें कहाँ तक जाना है, -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1 लाना है। स्टार्टिंग बता दिया, यहाँ तक हमें लाना है, तो हम पैटर्न बनाते हैं। स्टार्ट हमें कहाँ से करना है? फर्स्ट हम लिखेंगे, राइट डाउन सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हमें? स्टार्टिंग पॉइंट -1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा? 1 मल्टीप्लाई 5 क्या आता है आंसर? आपको पता है 5, बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ आएगा -5। अब हम लेते हैं 4 लेते हैं, तो यहाँ सेम है -1 मल्टीप्लाई 4। हमें पैटर्न लेनी है इसलिए मैं 5 4 3 2 1 0 -1 तक यहाँ जाऊंगी तो हमें मिलेगी ये पैटर्न जो हमें लाना है आंसर। तो यहाँ 1 -4 क्या आता है? 4, बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ आएगा माइनस। अब हम लेते हैं 3, तो राइट डाउन -1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 3 और यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस। सेम एस -1 मल्टीप्लाई 2, अब 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2, बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ आएगी माइनस। अब हम कहा, अब कौन सा नंबर आएगा? -1 मल्टीप्लाई 2 के बाद 1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 1 1, बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ आएगा माइनस। अब कौन सा नंबर आएगा? -1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू, 0 को कोई भी इसके साथ मल्टीप्लाई करे तो आंसर ऑलवेज 0। अब -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 1, माइनस माइनस प्लस 1। हमें यही पैटर्न लानी थी, जो देखो यहाँ मैंने जो लिखा था वो आ गई पैटर्न। देखो ये वाला लाना था, -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1, वही हमारा आंसर आया, तो ये हमारी पैटर्न हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। यहाँ हमें प्रोडक्ट करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, बट प्रॉपर्टी यूज करके। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज करवाई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हमें ए से लेके एच तक के सम करने हैं। फर्स्ट हम करते हैं ए। ओके, 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है आप लोग याद करो। यहाँ दो ऐसे नंबर है सेम है, -48 -48 दोनों में सेम है, तो याद करो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी हो सकती है एडिशन की। वो प्रॉपर्टी में क्या था? वो प्रॉपर्टी में हमें ऐसा था कुछ, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू सॉरी प्लस a मल्टीप्लाई c, ऐसा था। यहाँ 48 48 48 है जो हमारा a और ये बोल सकते हैं, और 26 भी हो और -36 सी ऐसा बोल सकते हैं। सो हम
उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी में ऐसा था इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते थे। हमें ये दिया हो तो हम उसका ऐसे लिख सकते हैं ना। सेम एज हमें यही यहाँ दिया है तो हमें ये हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सो उसमें फर्स्ट क्या है इज इक्वल टू ए, क्या है मेरा यहाँ सेम, मतलब ए सेम क्या है 48, तो यहाँ लिखो 48 ब्रैकेट बी हमारा 26, सी क्या है प्लस माइनस 36, ओके। तो ये फॉर्म में से मैंने ये फॉर्म में लिख सकती हूँ बिकॉज ये दोनों इक्वल है। आपको लिखना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो राइट डाउन हियर इज इक्वल टू माइनस 48 26 प्लस माइनस माइनस 36 ब्रैकेट ओवर माइनस 48 26 माइनस 36 माइनस 10, यहाँ लार्जर की साइन आएगी, लार्जर नंबर की साइन आएगी, यहाँ 10 है। अब ये दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 48 मल्टीप्लाई 10 480 आंसर आया हमारा। सो ये हमने किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बी 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई माइनस 125, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? सो मैं यहाँ 8 मल्टीप्लाई माइनस 125 को साथ में लगाऊंगी, लिख सकती हूँ ए मल्टीप्लाई बी करो या बी मल्टीप्लाई ए करो, सेम ही होगा। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई माइनस 125 मल्टीप्लाई 53 एज इट इज इक्वल टू, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली। अब मैं यहाँ ए मेरा ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैं ए और बी को एक ब्रैकेट में लिख सकती हूँ 8 मल्टीप्लाई माइनस 125 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 53 ऐसे लिख सकती हूँ। सो ये होगा हमारा ए बी एंड सी, ये कौन सा प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस 1000, ओके। सो ये मल्टीप्लाई 53, अब 53 मल्टीप्लाई 1000 माइनस 1000, तो क्या आएगा? क्या आएगा? 53000, बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, ओके। ये हमारा आंसर। अब हम करेंगे सी, 15 मल्टीप्लाई माइनस 25 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 10, तो यहाँ 4 नंबर्स है मल्टीप्लाई, ओके। सो मैं फर्स्ट 15 को एज इट इज रहने दू और 25 माइनस 25 माइनस 4 को एक ब्रैकेट में और 10 को इंडिविजुअल रहने दू, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर सकते हैं? कर सकते। देखो ऐसे लिख सकते हूँ इज इक्वल टू 15, ओके, मल्टीप्लाई 15 को मैंने एज इट इज लेना, अभी मैंने बोला माइनस 25 मल्टीप्लाई माइनस 4 को एक ब्रैकेट में ले लिया, ये ए ये बी एंड सी हमारा हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस 10, ओके। ऐसे लिख सकते हो ये ए ये बी और ये सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं,
15 multiply minus minus plus. So 25 multiply 4, 100 multiply minus 10. ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां हम करेंगे AA B एंड C को साथ में ले लेते, तो कौन सी प्रॉपर्टी ये भी फिर से होगी, एसोसिएटिव ही होगी, ये दोनों को हमने साथ में ले लिया, 100 मल्टीप्लाई माइनस 10, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो हियर राइट डाउन इज इक्वल टू 15 100 मल्टीप्लाई 10 1000, बट यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस होगी, सो 15 मल्टीप्लाई 1000, तो 1500, बट यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस ही आएगा, ओके, तो ये हमारा आंसर। यहाँ हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो बार यूज की। नेक्स्ट, अब डी, माइनस 41 मल्टीप्लाई 102। अब यहाँ दो ही नंबर है, पर यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, आप सोचो, कुछ होगी यहाँ पर, प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो मैं यहाँ उसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस 41 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2, ऐसे लिख सकती हूँ, 102 को ऐसे लिख सकती हूँ, 100 प्लस 102 लिख सकती हूँ। अब ये सोचो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये मेरा A, ये B और ये C, ये A, ये B और ये C, तो आपको पता है A मल्टीप्लाई ब्रैकेट B प्लस C, मैं अभी करवाया आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, उसमें हमको ऑलरेडी ये वाला पोर्शन नहीं दिया था, हमें A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C दिया था, ये वाला पोर्शन दिया था, ऐसा A मल्टीप्लाई B प्लस प्लस A मल्टीप्लाई C, ऐसा दिया था, ओके, ये मेरा B है, अब समझ लेना। तो यहाँ हमें ये लिखना है, इज इक्वल टू माइनस 41, एक ब्रैकेट में ये A, B हमारा 100, ओके, प्लस माइनस 41 A मल्टीप्लाई C क्या है 2, ऐसे लिख सकते हैं। सो हियर राइट डाउन 41 मल्टीप्लाई 100 4100, पर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस 41 मल्टीप्लाई 2, सो यहाँ क्या आएगा 82, बट माइनस आएगा बिकॉज यहाँ माइनस है, इज इक्वल टू माइनस 4100 प्लस माइनस माइनस 82 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो 4182, बट यहाँ साइन माइनस की आएगी बिकॉज ये बड़ा नंबर, ये वाला जो नंबर है, बड़ा के आगे माइनस की साइन है, तो माइनस 4182 हमारा आंसर। ई के अंदर 625 मल्टीप्लाई माइनस 32 प्लस माइनस 625 मल्टीप्लाई 65, सो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ कोई दो नंबर सेम दिख रहे हैं आपको, यस या नो, यस दिख रहे हैं, कौन से दो नंबर सेम है, 625 625, देखो मैं 625 को ऐसे लिख सकती हूँ, 625 मल्टीप्लाई माइनस 32, ऐसे लिख सकती हो, अब प्लस
प्लस 625, ये साइन में इसको दे सकते बिकॉज यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं माइनस 65, ऐसा लिख सकते हैं। सो ये सेम है, ये ए, ये हमारा बी, ये ए, ये सी, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। उसमें क्या था, ए ब्रैकेट बी प्लस सी, ऐसा था। हम यहां ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 625, हमारा ए है, बी क्या है माइनस 35 प्लस माइनस 65, ऐसे लिख सकते हैं। अब राइट डाउन 625 माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 65, ओके। सो हियर 625 माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 65 100, बट 65 बिगर नंबर है, तो बिगर नंबर के आगे कौन सी साइन है, माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस। अब तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 625 मल्टीप्लाई माइनस 100, ऐसे लिख सकते हैं। सो हियर 625 डबल 0, बट यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, तो ये हमारा आंसर। यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एफ में क्या दिया गया है, 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2, तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये आपको, अब सोचो ये ए है मेरा, ओके, ये है बी है और ये सी है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, बोलो, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन। अब उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें यही वाला पोर्शन दिया गया है, हमें ये लिखना है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी यूज होगी, इज इक्वल टू करो और लिखो 7 मल्टीप्लाई बी क्या है 50, एक ब्रैकेट में डालो माइनस 7 मतलब ए मल्टीप्लाई सी क्या है मेरा 2, ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 50 350, राइट डाउन 350 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 14, सो 350 मल्टीप्लाई 14 क्या आ सकता है आंसर, माइनस करके इज इक्वल टू 336, तो ये हमारा आंसर है। यहाँ हमने यूज की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। जी माइनस 17 मल्टीप्लाई माइनस 29, सो मैं इसको पहले ऐसे लिख सकती हूँ, 17 मल्टीप्लाई 29 बिकॉज माइनस माइनस प्लस, ऐसे लिख सकती हूँ। अब सोचो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सो मैं आपको दिखाती हूँ, इज इक्वल टू करके 17 लिखू, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 30 माइनस 1, अब सोचो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो सकती है, ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है, सो उसको हम कैसे लिखते थे, ए मल्टीप्लाई अभी करवाए ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम एक्सपांड करेंगे अभी, 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 30 एक ब्रैकेट में माइनस 17 मल्टीप्लाई सी क्या है 1, ओके। सो अभी राइट डाउन हियर इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 30 क्या होगा 150 माइनस 17 सो 5 10
-17 493, तो 493 हमारा आंसर। H के अंदर क्या है, हमें यहाँ दिया है -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस 57। सो मैं यहाँ इसको माइनस माइनस रिमूव कर सकती हूँ, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई की साइन और माइनस माइनस प्लस, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 57 मल्टीप्लाई 19 प्लस 57 मल्टीप्लाई 1। अब आप सोचो मैम ने यहाँ 1 क्यों लिखा, यहाँ कुछ नहीं है, तो 157 मल्टीप्लाई 1 करो तो 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ कोई दो नंबर सेम हो रहे, 57 57, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अभी यूज होगी, यहाँ ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये A और ये C, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उसमें क्या था A B प्लस C ऐसा करवाया था मैंने, ये दिया है, तो हमें ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू A है हमारा 57, B है 19, C है 1, ऐसे लिख सकते हैं। सो हियर राइट डाउन 57, 19 प्लस 1 20, सो 57 मल्टीप्लाई 20 1140, तो ये हमारा आंसर आया।